हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। गाइज, आज की वीडियो थोड़ी अलग है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको सभी को पता है कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, पूरा देश अभी घर पे बैठा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको कुछ ऐसे गेम्स प्रोवाइड करूँ, कुछ ऐसे गेम्स के बारे में बताऊँ जो आप खेल के ईजिली अपना टाइम जो है वो थोड़ा पास कर सकते हो। टाइम पास एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ। और ये जो मैं गेम्स आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए आपको कोई गेम खेलने के एक्सपर्ट्स नहीं होने पड़ेंगे। अगर आप थोड़ा कैजुअल भी कभी खेले हो तो भी ठीक है, अगर कभी भी नहीं खेले हो गेम, फर्स्ट टाइम खेल रहे हो, फिर भी आप आराम से इन गेम्स को इन्जॉय कर सकते हो। तो गाइज़, तीन गेम्स के बारे में पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ और भी बनाता रहूँगा इन फ्यूचर। और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर एंड ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इन गेम्स को खेल के उनका भी थोड़ा मन बहल जाएगा, वक्त गुजर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहला गेम जो आता है, बाय द वे जितने भी गेम्स के बारे में मैं बताऊंगा सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो ज़रूर एक बार लिंक चेक कर लेना अगर आपको इन गेम्स में इंटरेस्ट है और आपको इंस्टॉल करने का मन करता है। तो चलिए इस लिस्ट में सबसे नंबर वन पर जो गेम है उसके बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट जो लिस्ट में गेम आता है वो है एंटी स्ट्रेस। ओके, तो नाम सोच के आप लोग को लग रहा होगा कि स्ट्रेस रिमूव करेगा, बट ये कैसे हो सकता है कि कोई गेम खेल के आपका स्ट्रेस रिमूव हो, वो भी ऐसा एक गेम जो कि इंटरफेस भी काफ़ी अजीबोगरीब है। गाइज, ट्रस्ट मी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये गेम जो है वो सच में एक एंटी स्ट्रेस है। जब मैंने फर्स्ट इंस्टॉल किया मेरे को भी ऐसा कुछ लगा नहीं था कि ये जो कंपनी बोल रही है या फिर जो कंपनी दावा कर रही है कि वो स्ट्रेस रिमूव होता है, ऐसा कुछ होगा। बट ट्रस्ट में, जैसे मैंने बोला, थोड़ा खेलने के बाद मेरे को सच में ऐसा लगा और मैं खो गया इस गेम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी है। कभी कभी किसी चीज़ लोग कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, बट ट्रस्ट में गाइज, अगर आप खेलोगे, अगर आप थोड़ा टाइम बिताओगे तो आपका काफ़ी स्ट्रेस दूर होगा। वरना मैं सबको थोड़ा आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ें जो हैं वो, जैसे कि आपको ब्लॉक्स अरेंज करना हो आपके रैंडम हिसाब से, या फिर कैजुअली स्विच ऑन ऑफ खेलना हो। आपको लग रहा होगा, मेरे को यकीन है आपको लग रहा होगा कि ये तो भाई बकवास है, ये तो एकदम बेकार है, बट ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही मज़ा आता है और काफ़ी आपका टाइम भी निकलता रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एडिक्टेड हो जाओगे इन चीज़ों में। आप ज़रूर एक बार ये ट्राई देना, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट इनमें सबसे मेरा जो फेवरेट है वो है ये बबल को जो फोड़ने का, आपको पता है सब जो पैकेजिंग में बबल्स आते हैं उनको फोड़ने में हमें कितना मज़ा आता है। और इसका जो साउंड इफेक्ट है, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप नेचुरल जेन्युइन प्रोडक्ट को जो है हाथ से बबल को जो है वो फोड़ रहे हो, मज़ा आता है काफ़ी। ये जो स्माइली है इसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन आता है जो कि मेरे को बहुत पसंद है। और एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी मज़ा आया वो है यहाँ पे शार्पनर, आप देख सकते हो शार्पनर काफ़ी अच्छे से शार्प भी, मतलब यस, मेरे को पता है बचकाना लगता है, बट बचकाने का चलते चलते आपका टाइम भी पास हो जाता है और आपका काफ़ी ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हो इसमें। ग्रास कटर भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरे को मज़ा आता है ऐसे ग्रास काटने में। देखो, सो आप, मेरे को यकीन है कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, जैसे मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि आप थोड़ी जब खेलोगे उसके बाद आपको ज़रूर मज़ा आएगा और आप स्ट्रेस फ्री होगे ही होगे, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस, ये फर्स्ट गेम था जो मैं आपको बताना चाहता था, प्लीज़ एक बार ही आप कंसिडर करना। बस आपके भाई की बात सुन के आप 15 मिनट 20 मिनट कुछ भी ट्राई करो और उसके बाद आपको सच में पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कितना टाइम आपका ऐसे चुटकियों में निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कोरोना वायरस की तरह लगता है थोड़ा सा, यस, बस कोरोना वायरस नहीं है बट जो भी है गाइस, मज़ा काफ़ी आता है इसमें। तो चलिए अब दूसरे गेम के बारे में बात करते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को और इतना ज़्यादा फनी है, फनी मैं श्योर बोल रहा हूँ, फनी तो आपको बहुत लगेगा। चलिए मूव करते हैं सेकेंड गेम पे। ओके, सो गाइज, लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे गेम है वो है वॉक मास्टर। अब सच बताऊँ तो ये गेम का मैं एक तरीके से फ़ैन बन गया हूँ, इतना मज़ेदार इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को ये गेम। इसमें बेसिकली क्या है, बहुत ही सिंपल है, मतलब कोई भी खेल सकते हो, आप बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर कोई भी उम्र के हो, और आपको कोई स्किल्स नहीं है आपके पास गेम खेलने का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ईजिली ये गेम खेल सकते हो। देखो इसमें करना क्या है, आपको दिख रहा है कि एक बकरी, यस, एक बकरी दो स्टिक्स पर खड़ी है, आपको उसको बैलेंस करके आगे बढ़ते रहना है। आगे कुछ हर्डल्स आएंगे, कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनको बस डॉज करके आगे बढ़ते रहना है। आपको लग रहा होगा भाई ये तो बहुत ईजी है, ये तो कोई भी कर सकता है, इतना भी ईजी नहीं है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देता हूँ, समझ लो मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपको बैलेंस रखना पड़ता है, थोड़ा भी ऑफ बैलेंस हुए कि गिरे धड़ाम से। सो बहुत फनी और उसी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग सा ये गेम है, प्लीज़ एक बार ही इसको चेक करो। और अगर आप एक दिन भी सो बिताते हो इस गेम पे तो आपको, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको बहुत आदत सी हो जाएगी। नहीं, ओके, सो देख सकते हो आप, बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगेगा।
मैंने भी पहले इसको बहुत आसान से लिया था कि भाई ये तो बहुत ही ईजी है, बट ट्रस्ट मी गाइज ये इतना ईजी नहीं है। चलिए एक फाइनल ट्राई देते हैं इसको। ये जो आपको सामने, ओ नहीं 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 सच बताऊं गाइज तो बहुत ही फनी है, उसी के साथ बहुत ही एंटरटेनिंग भी है ये गेम। तो चलिए एक और ट्राई देते हैं, फाइनल ट्राई। ओ नहीं 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 आई स्वेयर गाइज ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है ये गेम, तो मतलब मेरे को बहुत पसंद आई है, मैंने बहुत नहीं फिर से नहीं ओहो ओके चलिए एक फाइनल टाइम, एक फाइनल ट्राई तो देना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा हड़बड़ा रहा हूँ। ओ नहीं 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 सो गाइज प्लीज़ इसके एक बार ज़रूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में आपको इस गेम का भी लिंक मिल जाएगा। एंड अब थर्ड जो गेम है वो एक पजल टाइप का गेम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पजल टाइप का गेम, और सच बताऊं तो टाइम आपका बहुत आसानी से गुजर जाएगा ऐसे गेम्स खेल के। चलिए लास्ट एंड द फाइनल गेम की तरफ मैं मूव करता हूँ। ओके गाइज तो ये है हमारा फाइनल गेम, और ये गेम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे को बहुत पसंद आया। जितने भी गेम्स अभी तक, दो गेम्स मैंने दिखाए हैं, उनमें से ये मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग भी यूज़ होता है, आपका टाइम भी बहुत स्पेंड हो जाता है। सो इस गेम को ज़रूर आपको एक बार ट्राई देना चाहिए, और आने वाले वीडियोस में मैं और भी दो तीन गेम्स के बारे में आपको बताऊंगा जो मैं और ट्राई कर रहा हूं, अगर उनमें से इंटरेस्टिंग गेम्स आए तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं आपको इसमें करना क्या है। बेसिकली क्या करना है आपको, एक रोबोट टाइप का ये है, इसको आपको होम तक पहुंचाना है या फिर एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, और उस डेस्टिनेशन से पहुंचाने से पहले आपको काफ़ी सारे हर्डल्स हैं जो पार करने पड़ेंगे। अब आप देख सकते हो इसको रोटेट करा सकते हो आप 360 डिग्री, तो आपका जो मेन एम है वो है इसको, ये जो रोबोट टाइप का है उसको यहाँ तक पहुंचाना, ये जो रेड जोन है यहाँ तक पहुंचाना। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये पहला जो स्टेज है वो बहुत ही सिंपल है। तो पहले उसको जब आप जहाँ भी टैप करोगे इन ब्लॉक्स में, अगर पॉसिबल उसके पास रास्ता हुआ तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, वो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पहुँच जाए। अब ये वाला जो चीज़ है आप देख सकते हो इसकी जो मैकेनिज़म है ये ऐसे ड्रैग हो जाता है। अब इसको आप इस पर लेके आओ, इसको ड्रैग करके लास्ट में लेके चले जाओ, और ये आपने टैप कर दिया यहाँ पर और ये पहुँच गया अपने घर। सो येस मेरे को पता है कि फर्स्ट स्टेज आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी गाइज जैसे लेवल्स आगे बढ़ते हैं ये इतना ईजी नहीं होता है, आपको अच्छी खासी दिमाग की मसल्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो चलिए ये सेकेंड स्टेज भी मैं एक डेमो की तरह आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे आपको खेलना है। तो यहाँ पर पहले मैंने टैप किया, ये रोबोट जो है वो अंदर से होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके बाद मेरा मकसद है उसको यहाँ तक लेके आना। तो ये भी मैंने टैप कर दिया, यहाँ तक भी आ जाएगा। अब यहाँ तक आने के बाद आप इसको ऊपर ड्रैग कर लो तो ये ऊपर भी आ जाता है। अब यहाँ पर आप टैप करो और यहाँ पर टैप कर लो, अब जैसे ये यहाँ पहुँच गया इसको फिर से ऊपर ड्रैग कर लो ताकि ये फिर से ऊपर आ जाए। क्या हो गया, गलती हो रही है क्या? ओके आई डोंट थिंक कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ओके सॉरी गाइस। ओके सो फाइनली ये यहाँ पे पहुँच चुका है, आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो आपके हिसाब से। अब मैं एक और लेवल दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जितने, जैसे मैंने पहले ही बताया, जितने लेवल्स आपके अप होते हैं उतना डिफ़िकल्ट होता जाता है। तो आपको यहाँ पे इसको पहुँचाना है ओके बॉटम में, तो ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ चल रही हैं। चलिए इसको यहाँ से होते हुए आप टैप करके देख सकते हो कि यहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, यहाँ तक भी नहीं पहुँच रहा है। तो आपको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं पहुँच रहा है। ओके सो यहाँ तक पहुँच रहा है, दिस इज़ गुड। ओके सो एक बार यहाँ पहुँच जाए उसके बाद आप इसको ड्रैग करके ऊपर लेके चले जाओ, और इसको फिर नीचे लेके चले जाओ, फिर नीचे, फिर यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे इनिशियली लेके आते हैं, एंड उसके बाद आई थिंक कि वो यहाँ तक आ जाएगा। ऑसम, इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसको फिर से ड्रैग कर लेंगे एंड फिर नीचे आ जाएंगे। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितना आपका लेवल अप होता रहेगा उतना डिफ़िकल्ट होता रहेगा, और आपके दिमाग के जो मसल्स है वो काफ़ी आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो गाइज आज के वीडियो के ये टॉप 3 गेम्स थे जो कि बहुत ही सिंपल टू प्ले है, बहुत ही आसान है खेलना, और मीन वाइल आपके दिमाग के थोड़े मसल्स भी यूज़ हो जाते हैं और आपका थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है। तो अगर आपको ये गेम्स अच्छे लगे, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक दें। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियोज़ पाने के लिए देखते रहें इस चैनल को। मैं और भी आने वाले टाइम पे, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है हमें कुछ ना कुछ करके तो अपना टाइम निकालना है, तो मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अच्छे रहें, एंड एज ऑलवेज गाइस जय हिंद बाय।